बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली की रहमतों का शहर नागपुर, जहां चल रहे 101वें उर्स शरीफ के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। इसी श्रेणी में आज बाबा ताजुद्दीन अली की 26वीं के मौके पर शाही संदल निकाला गया, जहां बाबा की रहमतों में झूमते जायरीनों ने यह समा बनाया। संत ताजुद्दीन बाबा का 101वां उर्स है और आज जो है 26वीं के दिन शाही संदल जो होता है वो भी निकल चुका है। हमारे साथ ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज जो है शाही संदल निकला है, 15 दिन ये उर्स जो है चलने वाला है, विविध धार्मिक कार्यक्रम इस दौरान होने वाले हैं। शाही संदल का महत्व क्या होता है, शाही संदल में आज कितने लोग जो है जायरीन जो है यहाँ शामिल हुए, क्या बताओगे? देखिए, शाही संदल का महत्व जो है, बाबा का जो बोलते पर्दा लेने के लिए आज 101 वर्ष हो गए, पूरे 101 साल हो गए हैं, तो उसी दिन वो शाही संदल निकलता है। और तकरीबन इस बार जो है 20 लाख से ज़्यादा जो जायरीन और श्रद्धालु है वो यहाँ आने वाले, और उनके लिए हमने तरह तरह का एक अरेंजमेंट किया है। पिछले साल भी हमने देखा कि ये जो है ट्रस्ट में जो है हम देखते हैं कि ताजुद्दीन बाबा जो है सर्वधर्म समभाव के प्रतीक है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग यहाँ आते हैं, तो आज जो शाही संदल है इसमें भी हर समाज के लोग शामिल होते हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है? कुछ कमांडो आज का जो है खास एक ये महत्व के थे, वो उन्होंने क्या था वो मतलब? देखिए, आज क्या हमारी जो सोच थी उससे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक और जायरीन या श्रद्धालु बोलो आगे है, तो बाबा का इतना प्रचार हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए हमने कम से कम 2 लाख स्क्वायर फीट में उनका रहने का अरेंजमेंट, 10 लाख लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, उसके बाद जगह जगह टॉयलेट, पानी की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियों के स्टैंड, जो बसेस है उनके स्टैंड, तो ऐसा बहुत सारा। और ये जो संदल निकल रहा है इसमें बाहर के भी लोगों ने बहुत सारी व्यवस्था करके रखी है, जो संदल में जो पैदल चलने वाले रहते तो उनके लिए किसी ने शरबत की व्यवस्था करके रखी, किसी ने छाछ की व्यवस्था करके रखी, किसी ने खाने की, तो कोई जलेबी खिला रहा है, ऐसा बहुत सारा। लोग जो है अपने अपने हिसाब से, ट्रस्ट तो कर ही रही व्यवस्था, उसके अलावा भी पूरे नागपुर वासियों ने भी जो बाहर से जो लोग आए देश और विदेश से उनके लिए व्यवस्था की है। हम देख रहे हैं कि लंगर तो जगह जगह लगा है, जायरीन भी बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि परिसर में अभी भी संदल निकलने के बाद जो है बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद है, किस तरह की व्यवस्था परिसर में की गई? देखिए, परिसर में मैंने आपको बताया कि हमने जो पहले ऐसा होता, क्योंकि यहाँ इतने रूम तो है नहीं, जो हमारे ट्रस्ट के पास भी तकरीबन 100 रूम है और 4-5 हॉल है, उसके अलावा हमने यहाँ 2 लाख स्क्वायर फीट लोगों के लिए सोने के लिए डोम बना दिए कि पानी अगर यदि आता है तो बारिश से बचने के लिए, तो यहाँ पे जगह जगह उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है जायरीनों को आने के लिए और रुकने के लिए, तो वो यही होता है कि उनको रहने और खाने की व्यवस्था हो जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे नागपुर में कोई भी होटल, कोई भी लॉज आज की डेट में खाली नहीं है। आज का जो शाही संदल निकला है ये कहाँ से गुजरेगा और फिर कहाँ इसका समापन होने वाला है? देखिए, ये जो बाबा जान का संदल है इसमें लाखों लोग रहते हैं, तो ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट से यहाँ से निकलता है और बुलंद गेट उमरेड रोड से होता हुआ सिद्धगिरनी, उसके बाद भांडे प्लॉट, शक्करदरा चौक, उसके बाद अशोक चौक, छत्रपति शिवाजी का पुतला, उसके बाद तुम्हारा श्याम टाकी चौक, तो ऐसा गांजा खेत चौक होते हुए वैसा चितारोली होते हुए आता है, उसके बाद बड़कत चौक, झंडा चौक, झंडा चौक से ऐसा वापस लभान टांडा होते शक्करदरा चौक और वापस ताजबाग, शाम में 7 बजे आके ये बाबा को संदल चढ़ता है। क्या संदेश देना चाहोगे? 15 दिन उर्स है और 15 दिनों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन होने वाला है, क्या बताओगे? देखिए, बस बाबा के भक्तों के लिए एक यही संदेश है कि वो बाबा के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और बाबा का जो है फैज़ो आम जो चारों तरफ बट रहा है, बाबा का जो बाबा के बहुत ऐसे बड़े बड़े किस्से हैं और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कि जो यहाँ से
मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ से मांगने वाला कभी कोई खाली नहीं गया, ये ऐसा दर है, बस यही मेरा एक संदेश है। लगभग महीना भर चलने वाले इस उर्स में जहाँ देश विदेश से आ रहे जायरीन बाबा की मोहब्बत में सजदा करते हैं, उर्स के मौके पर चलने वाले अनोखे कार्यक्रमों में से एक है शाही संदल, जहाँ कव्वाली की ताल पर झूमते जायरीन या ताज या बाबा ताज की घोषणाओं से पूरा माहौल ताजमय बनाते हैं। इस अवसर पर न ही हिंदू मुसलमान का भेद होता है और न ही राह में बिछी हुई तकलीफों का एहसास होता है। रास्ते में कांटा भी चुभ जाए तो उस चुभन का एहसास भी बाबा की याद में कब उड़न चू हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। आज निकलने वाले शाही संदल के मौके पर प्रशासन द्वारा चार चौबान व्यवस्था की गई थी, जहां कड़े इंतजाम के साथ पुलिस तैनात की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना इस मौके पर ना हो। आज तो नागपुर शहर की नगरी आज सरकारे ताजुल औलिया के जश्न में नहाई हुई है। सरकारे ताजुल औलिया का आज बाबा हुजूर की आज 26वीं है और जिस 26वीं के मौके पे आज सभी देशवासी हमारे बाबा हुजूर के जितने भी मांगने वाले हैं वो सारा हिंदुस्तान ताजुद्दीन बाबा के अंदर में यहाँ पर ताजाबाद शरीफ के अंदर में पूरा समटा हुआ है। अब कुछ ही लम्हों के बाद में हम सरकारे ताजुल औलिया का जश्न मनाने जा रहे हैं और ये जश्न हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कार्यालय से होकर शहर का गश्त करता हुआ फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे चादर पेश की जाएंगे और पूरे ही लोगों को हर उल्लास के साथ में हम मुबारकबाद देते हैं। आदाब अस्सलाम वालेकुम। को सरकार का शाही संदल है जो शहर का गश्त करता हुआ शाम 7 बजे दरबार शरीफ में पेश होगा और अभी हमारे दरगाह ट्रस्ट ऑफिस से सरकार का संदल निकाला जाएगा और आप लोग तमाम लोगों को सरकार की 26वीं की बहुत बहुत मुबारक, सरकार का उर्स की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से निकलेगा संदल ट्रस्ट ऑफिस से, यहाँ से शकरदरा होते हुए ये सीए रोड होते हुए जाएगा गांजा खेत से इतवारा से गांधी बुतला से महल होते हुए शकरदरा से फिर वापस ताजाबाद शरीफ आएगा शाम में और सरकार की बारगाह में संदल पेश होगा। गौरतलब है कि यह शाही संदल उन रास्तों से गुजरेगा जहाँ जहाँ हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के नक्शे कदम पड़े थे। बाबा को हाजिर नाजिर मानते हुए जायरीन उसी एतबार के साथ झूमते हुए शाम तक इस समा में जीते हैं और बाबा को इस खूबसूरत जिंदगी के लिए शुक्रिया करते हैं। आज शहर 101वें उर्स के मौके पर महल की तरह सजा हुआ है। इतना ही नहीं तो रेलवे स्टेशन पर आते जायरीन नागपुर की जमीन पर कदम रखते ही बाबा ताजुद्दीन औलिया के नाम की घोषणाएं करते हैं। शाही संदल के मौके पर कई करतबों का प्रदर्शन किया गया, जहां कोई खुद को कोड़ों से पीट रहा था तो कोई शेर बनकर अपनी कला दिखा रहा था। यह संदल शहर की गश्त करते हुए बाबा ताजुद्दीन सरकार की बारगाह में शाम 7 बजे पेश किया जाएगा, जिसके विषय में जानकारी दी बारगाह ए ताजुद्दीन औलिया सज्जादा नाशी सैयद तालिफ ताजी ने। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। हूँ बुरजिन नौशीर रांडेलिया, पारसी कम्युनिटी ने बिलोंग करूँ। हूँ एटलू संदेश आपस के बाबा अमन चैन नु संदेश आप रहता हुआ आपेलू अमना भी तेमज आपी रहे। अहियाँ बधा कम्युनिटी ना लोग आवे ने जे भी दुआ मांगे ते बधी पूरी थाय। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा ताज ने अपने रहते हुए भी हमेशा अमन और शांति का संदेश दिया और आज भी वो कायम है। यहाँ हर कम्युनिटी के लोग आते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और उनकी पूरी तमन्ना जो है वो पूरी होती है। यहाँ ट्रस्ट ने, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि पूरे इंतजाम और सब हुआ है जायरीनों के लिए, कोई भी तकलीफ़ नहीं जाए इसके लिए हम लोग ट्रस्ट वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी तैयारी भी है। हमको बहुत पब्लिक डिपार्टमेंट जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, पुलिस डिपार्टमेंट, NMC, NIT सभी हमको हेल्प कर रहे हैं। हमारे मेडिकल कैंप्स है, पानी की पूरी सुविधा है, वॉशरूम से लेके सब है। सो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जायरीनों को कोई भी तकलीफ ना जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। हर साल की तरह इस बार भी उर्स की जो है हमें उर्स जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए सभी लोग दिख रहे हैं।
इस बार जो है 101वां उर्स है, हम सभी को पता है, और इसके लिए जो है आज का जो है शाही संदल, उर्स के दौरान जो शाही संदल निकलता है वो आज निकलने वाला है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है शाही संदल के लिए जो बाहर गांव से जायरीन आए, देश विदेश से जायरीन आ रही, बड़ी तादाद में यहाँ लोग दिखाई दे रहे। यही नहीं, शहर के भी बड़ी तादाद में लोग जो है इस संदल के लिए पहुँचते। ये जो संदल होता है वो शहर के बाबा जी जिन गलियों से पहले जाते थे उन गलियों से ये जाता है, उन रास्तों से ये संदल जो जाता है, और संदल में जो है शहर के और बाहर गांव से आए लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।